नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, हमेशा की तरह, रोज की तरह, हम लोग एक बार फिर बात करेंगे 20 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और बुधवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, योग है ध्रुव और करण है कौलव। तो ये तो बात रही पंचांग की, अब चर्चा राशिफल की। सबसे पहले बात मेष राशि की। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर आप करने वाले हैं तो विचार करें और फिर उसके बाद चिंतन करके, सोच विचार करके ही कोई फैसला आपको करना चाहिए। ओम पापहारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। मन की चंचलता को, मन के भटकाव को आपको नियंत्रित करना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज किसी शुभ कार्य में व्यय संभव दिखाई देता है। आज आपको अपनी कीमती चीज़ों का खास ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ओम परस्मै नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। यात्रा करने से आप बचें। मिथुन राशि। व्यापार परिवार हेतु महत्वपूर्ण विचार विमर्श आज आप कर पाएंगे। अगर कोई नए जॉब आपने आरंभ की है तो सहकर्मियों के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में, ट्यूनिंग बैठाने में, सामंजस्य बैठाने में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन धैर्य के साथ व्यवहार करिए, उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए, आपको आगे चल के फायदा ही मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम निरंजनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोग, अगर आज आपसे कोई गलती हो जाती है या आपके अपने व्यवहार के माध्यम से कोई व्यक्ति आहत होता है, कोई दुखी होता है, तो आपको अपनी गलती की क्षमा तत्काल मांग लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। आज वाहन आदि का आपको सुख मिले, ऐसे योग बनते हैं। ओम नागराज यज्ञ पवीत वते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। व्यापार में साझेदारी आप न करें। सिंह राशि। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, विशेषकर पैरों में दर्द होने की समस्या, चोट लगने की समस्या आज आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों के व्यवहार से आपको बहुत तकलीफ आज पहुंच सकती है। ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हितकारी है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश से आज आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने परिवार के लोगों के व्यवहार से कुछ निराशा हो सकती है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसे में आज आपको चुप नहीं रहना चाहिए। जो बात आपको बुरी लग रही है वो उनको बता देना चाहिए। ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। आज की तिथि आपके लिए यात्रा की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जीवन में कोई गंभीर समस्या आ सकती है और उसका निराकरण आपके मित्रों के सहयोग से, उनके माध्यम से ही होगा। उच्चाधिकारी लोगों का पूरा पूरा सहयोग आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हैं। ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। शेयर बाजार में आज आप निवेश ना करें। वृश्चिक राशि। किसी नए कार्य के प्रारंभ की आज आप योजना बनाएंगे। बिगड़े हुए संबंध आज मधुर हो सकते हैं। बकाए धन की प्राप्ति हेतु ये उत्तम समय दिखाई देता है, तो आपको तगादा जरूर करना चाहिए। ओम देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आप बचें। धनुराशि। आलस्य से बच करके सक्रिय हो जाना आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके पक्ष में है। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से, मद्यपान इत्यादि से आज आपको बचना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों का व्यापार अच्छा चलेगा। आर्थिक स्थिति प्रसन्नतादायी रहेगी। परिवार को आज आप सुख दे पाएंगे और आत्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। जब आपके माध्यम से आपका परिवार संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो आपको अंदर से खुद को बहुत संतुष्टि मिलती है। आज वो फीलिंग आपको जरूर आएगी। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। इस समय में निवेश आपको नहीं करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का साथ आपके साथ बन रहा है, उसका पूरा पूरा लाभ लें। आज भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के प्राप्ति का बहुत उत्तम योग आपके लिए दिखता है। ओम दक्षाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। आप यात्रा करने से बचें। मीन राशि। न्यायिक वाद विवाद का निपटारा आपके पक्ष में हो, ऐसे योग बन रहे हैं और राजकीय सुख और सम्मान प्राप्ति के स्थिति भी है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। संतान पर क्रोध करने से बचना चाहिए।
तो मित्रों ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हमने जाना कि ग्रह नक्षत्र के लक्षण क्या कहते हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में टूटी टाइल्स, टूटे पत्थर, मार्बल इत्यादि किस तरीके से आपको नुकसान देते हैं, उनका जीवन में क्या प्रभाव होता है। यदि आपके घर में किसी भी कमरे में, किचन में या किसी भी स्थान पर टाइल्स टूटी हुई है, पत्थर टूटे हुए हैं, तो उसे जल्दी से जल्दी आपको ठीक करा लेना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइलें या टूटे पत्थर जो हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ठीक, बहुत अच्छे या बहुत शुभ नहीं माने जाते। ऐसे में घर में बीमारी और आर्थिक क्षति, रुपए पैसे के नुकसान होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है या यूं कहें कि बनी रहती है। यदि फर्श का यह टुकड़ा, टूटा हुआ टुकड़ा अगर घर के ईशान कोण का होता है, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व का कोना, तो अक्सर स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां और आर्थिक नुकसान उस परिवार को झेलना पड़ता है। भवन के अलग अलग हिस्सों में जैसे दक्षिण पूर्व के फर्श का पत्थर अगर निकल जाए या टूट जाए, तो इससे व्यापारिक नुकसान, आपके बिजनेस का लॉस, नौकरी का लॉस, उसमें रुपए पैसे का नुकसान या खर्च आ जाए, ऐसी स्थिति बनती है। अगर दक्षिण पश्चिम की तरफ से फर्श की टाइल टूटी हुई है या पत्थर टूटा हुआ है, तो परिवार के परिजनों में, परिवार के लोगों में आपस में संबंध जो है वो तनावपूर्ण और खटास वाले हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गृह क्लेश, समय समय पर घर में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बन जाती है, जो घर की एक शांति थी, सुख था, जो चैन था, वो चला जाता है। तो इस प्रकार के दोषों से बचना चाहिए। कई बार टूट फूट घर में हो जाती है, आप नहीं चाहते तब भी हो जाती है, तो उसको आपको तत्काल प्रभाव से ठीक करा लेना ही उसका सही निदान होता, सही उसका इलाज होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार।